कौन कह रहे हैं? अरबाज अंसारी, सर आप हमेशा मुसलमानों को बदनाम क्यों करते हैं? अच्छा भैया, हम मुसलमानों को बदनाम करते हैं तो ओसामा बिन लादेन नाम करता है, अजमल का साहब नाम करते हैं, हाफिज सईद नाम करते हैं, हम बदनाम करते हैं? देख लो, यही होता है धर्म का चोला ओढ़ने पे, बदनाम कर रहे हैं। वाह रे भैया वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे यार, यार विश्वविद्यालय जला दिया बख्तियार खिलजी। धीर पटेल कह रहे हैं सर आसनसोल की सांसद है नुसरत जहां। हाँ, कोई नुसरत जहां, कोई हाँ, बंगाल में बड़ी फेमस है वहां पे नुसरत जहां, बंगाल के अपने अपने सांसद का एरिया। हाँ ठीक है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है बाहर लोग के लिए। चलिए अब आगे समझते हैं। 10 दिसंबर 1995 को एक अजीब घटना हुआ पुरुलिया में। एक जहाज उड़ता हुआ आया, एंटनेव जहाज, और वो जहाज ससुरा अचानक नीचे आने लगा। क्या है? नीचे आने लगा जहाज, और नीचे आते आते इतना नीचे हो गया कि लोगों को लगा कि भैया इतना नीचे क्यों है। अब आपको एक चीज लगेगा कि जहाज नीचे आ गया तो क्या दिक्कत है। आप जब पटना में पहली बार आए होंगे, जहाज को जब नीचे देखे होंगे तो बड़ा अचंभा से देखते होंगे, अरे सच रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है रे। लेकिन यहाँ 2-4 महीना रहते रहते ढिठा गए, दूर सच रहा जहाजे न है। तो जहां एयरपोर्ट होता है, जहां एयरपोर्ट होता है, वहां के लोग बड़ी जहाजों को देख के घबराते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यहीं से तो जहाजिया उतर पे करेगी। लेकिन जिस गांव में एयरपोर्ट नहीं है, वहां के लोग अगर बड़का जहाज दिखा रही है, वहां जहाज नीचे आने लगा, सब देख रहे नीचे गिराई का ही है जहाज, उन लोगों को लगा गिराने वाला है, वो जहाज नीचे आया। कौन कह रहे हैं? अरबाज अंसारी, सर आप हमेशा मुसलमानों को बदनाम क्यों करते हैं? अच्छा भैया, हम मुसलमानों को बदनाम करते हैं तो ओसामा बिन लादेन नाम करता है, अजमल का साहब नाम करते हैं, हाफिज सईद नाम करते हैं, हम बदनाम करते हैं? देख लो, यही होता है धर्म का चोला ओढ़ने पे। आप अपने नाम के आगे लिखवा दीजिए वंशज ओसामा बिन लादेन, हम बदनाम कर रहे हैं। हाँ ऊपर है, हाँ ब्लॉक जा, हम बदनाम कर रहे हैं। वाह रे भैया वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे यार, यार विश्वविद्यालय जला दिया बख्तियार खिलजी। बताइए, एक पढ़ने का जगह था नालंदा विश्वविद्यालय, उसको जला दिया, ये कह सकते हैं कि बदनाम कर रहा है वो? नहीं। हम बच्चों को 200 रुपया में, ओकरा फ्री में ही पढ़ा रहे हैं 200 रुपया में, तो हम बदनाम कर रहे हैं। वाह रे भैया वाह वाह, हद है भाई वाह। ठीक हुआ तू ऑनलाइन बोला है, अगर तू ऑफलाइन खड़ा होकर बात बोलता ना, पूछा जाता यहाँ। दिल पे हाथ रख के बोलो, हमको इस दुनिया में ना मेरा परिवार प्यारा है, ना मेरा धर्म प्यारा है, हमको इस दुनिया में केवल और केवल एक चीज से प्रेम है, मेरा देश प्रेम है, बाकी हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं। हम अपना परिवार, अरे हम अपना नाम तक ना बताते किसी को। आप तनी सा कुछ हो जाता है आदमी, तनी सा अधिकारी बन जाता है, तो बड़का स्टील के नेम प्लेट में तांबा से लिखवाता है फलाना बाबू। हम अपना नाम ना बताते क्योंकि हमें बस एक चीज से मतलब है, मेरा देश का नाम होना चाहिए। क्या बोलता है यहाँ पे? किसी को अगर हमसे ये उम्मीद है कि हम अपना जाति धर्म या अपना राज्य जिला का लिए है, गलत है, वो सबसे बड़ा गलत है। हमें कोई किसी खास मजहब का समझता है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। हम केवल और केवल, मेरा धर्म है कि हम हिंदुस्तानी है, जाति है कि शिक्षक है, बस। दिमाग खराब कर देता है यहाँ पर, हद है।